अरे बहुत बहुत आभार आपका। चंद्रगुप्त के शौर्य के आगे विष्णु की देवता डोल गया। चंद्रगुप्त के शौर्य के आगे विष्णु विजेता डोल गया। भारत वीरों की शक्ति को निज अंतर में तोल गया। भारत वीरों की शक्ति को निज अंतर में तोल गया। इसीलिए वह हमको मेहंदी रोली देकर चला गया। सैल्यूकस अपनी बेटी की टोली देकर चला गया। सैल्यूकस अपनी बेटी की टोली देकर चला गया। हमने बरखी तलवारों से किला सिंह का तोड़ दिया। हमने वर्षी तलवारों से किला सिंह का तोड़ दिया। जाने कितनी बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया। जाने कितनी बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया। गौरी जिंदा छोड़ दिया। अनुरोध करूंगा आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी से कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मुख्य प्रदान करके उनका स्वागत करने की कृपा करें। मैं अनुरोध करूंगा इस संस्थान के उपाध्यक्ष कपिल मिश्र जी से कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मुख्य प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री सुनील चौधरी जी से जो आयोजन सचिव है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य महोदय को मुख्य प्रदान करके उनका स्वागत करने कष्ट करें। जहां देश भर के कोने कोने से हमारे प्रतिभागी यहां पर उपस्थित है, सारे लोग तालियां बजाइए। दीप प्रज्वलित होता हुआ स्टेडियम में हम लोग कार्यक्रम करते थे, जिस मैच में कपिल देव खुद आए थे और आकर के हरियाणा वालों को उन्होंने उस बार जिताया भी था, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं जिताया था, उन्होंने उत्साह बढ़ा दिया था इतना कि वो उन्होंने अंपायरिंग भी स्वयं की थी, वो फील्ड छोड़ी नहीं थी उन्होंने। वो आज तक हमको याद है कि उन्होंने कहा नहीं हम यहां नहीं बैठेंगे, हम तो अंपायरिंग करेंगे। और आपको ये मालूम है कि हम लोग इंटरनेशनल जो रूल्स हैं ब्लाइंड टूर्नामेंट का जो क्रिकेट का होता है वही फॉलो करते हैं। उन्होंने उसको पढ़ा 15 मिनट और उसके बाद उन्होंने पूरे मैच में अंपायरिंग करके, उस मैच जब हुआ था तो हमारे जस्टिस शबीउल हसन साहब जो वो अधिवक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में थे, बाद में जज के रूप में भी आए, आज हम लोगों के बीच में फिर पुनः आए हैं और उनको इस बात के लिए मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूँ। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति सबील हस्तैन जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया माइक पर आए और हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय श्री सबील साहब और श्री मिश्रा साहब के बोलने के बाद, उनके जैसे वक्ता के बाद अधिवक्ता के बोलने की संभावना बंद हो जाती है कि एड्रेस जिनको करते हैं वो कुछ मानों में मुझे लगा कि बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके पास ईश्वर ने एक ऐसी चीज दी है जो हमारे पास नहीं है, और वो ये है कि कुछ चीजें लेकर भगवान ने आपको वो शक्ति दी है कि आप जो चाहते हैं देखना वही देखते हैं, जो आप करना चाहते हैं वही करते हैं। हमको नेत्र दे के भगवान ने ये मजबूर कर दिया है कि हमको वो सब कुछ देखना पड़ता है जो हम नहीं भी देखना चाहते, और जो कुछ हम देखते हैं और जो देख रहे हैं वो हमेशा बहुत सुंदर ही नहीं होता, उसकी कटुता, उसका विभत्स, वो भी हमको ग्रहण करना पड़ता है चाहे हम चाहें या ना चाहें। तो भगवान की कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा है कि आप जो चाहते हैं वही पढ़ते हैं, जो सोच जो आप चाहते हैं वही करते हैं, ये इच्छा शक्ति आपको दे रखी है। ये हम
कैप्टन और मैनेजर से अनुरोध है कि वो तैयार हो जाए। पहला मैच उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच में अब से थोड़ी देर में इस पिच पर खेला जाएगा। मैं मुख्य अतिथि महोदय से स्वागत कर रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाजों का जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलने के लिए आए हैं। तो V1 कैटेगरी के बल्लेबाज कमल शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के कैप्टन हैं, गौरव V2 कैटेगरी के बल्लेबाज कमल शर्मा V1 कैटेगरी के बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए आए हैं। In style, actually, they will try to play complete 15 overs. Maybe might be the tactics what Jharkhand would be following. But still, I believe if the last four, beginning five or six overs, UP can maintain the below run rate, that might be a case for UP to win this game. So, ये कुछ चीजें हैं जो मैटर करेंगी। हालांकि 94 रन 15 ओवर में, जैसे मैंने पहले कहा, इन इंग्लिश बहुत ज्यादा कुछ होते नहीं है, लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल हो ना, तब तक ये कह देना कि ये टीम हार गई, ये सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं वो बनना चाहूंगा नहीं कह के। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा क्रिकेट खेले यूपी तो शायद इस मैच में अभी भी जीत सकती है। और यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ने मना किया। मैं यहाँ पर दो रन